ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी जब देवताओं को एक खास तरह से बनाया जाता था। जब मैं कहता हूं कि देवताओं को एक खास तरीके से बनाया जाता था, देखिए ये सब एक बड़ी खिचड़ी बन गया है। ये एक बड़ी खिचड़ी बन गया है क्योंकि इस संस्कृति को जीवन की अभूतपूर्ण जटिलताओं को समझकर बनाया गया था, लेकिन वे साधन और संस्थाएं जिन्हें इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना था, वे पिछले 1800 सालों में बाहरी हमलों वगैरह की वजह से पूरी तरह से बिखर गए, वरना ये काफी प्रभावशाली विज्ञान है। उन दिनों हर आदमी हर मंदिर में नहीं जाता था। कुछ मंदिर थे जो सभी की भलाई के लिए थे, वहां हर कोई जाता था, लेकिन किसी खास वजह के लिए लोग अपने कुल देवता के पास ही जाते थे। यहां तक कि आज भी उनके अवशेष मिलते हैं, लोग वहां जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये देवता अब वैज्ञानिक समझ के आधार पर न बनाए गए हों। तो कुल देवता क्यों बनाए गए? आज अगर कोई 100 साल पहले मरा था तो भी खुदाई करने पर अगर उनको एक छोटी सी हड्डी भी मिलती है तो वो उसे लेबोरेटरी में ले जाकर डीएनए चेक करके और आपका डीएनए चेक करके बता सकते हैं कि ये आपके दादाजी थे। तो उन्होंने इसे समझा और इस जेनेटिक लाइन को सख्ती से बनाए रखा और एक शक्ति के स्रोत की स्थापना की इस विशेष डीएनए के लिए, इस विशेष प्रकार के जेनेटिक ट्रेंड के लिए। और जब वे वहां जाते हैं तो वो ऊपर बैठे किसी भगवान से ये सब नहीं कह रहे, वे बस ये रजिस्टर करा रहे हैं कि ये मैं हूं, मैं इस वंश से हूं, ये मेरा गोत्र है, ये मेरा नक्षत्र है, ये मेरा कुल है, मतलब मैं अपना डीएनए मटेरियल रजिस्टर करा रहा हूं, ये मेरा डीएनए है, मेरी मदद कीजिए। ये सबसे वैज्ञानिक तरीका है। विज्ञान जो खराब हो गया, टेक्नोलॉजी सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हुई, आज ये सब खिचड़ी बन गया है, इसलिए ये पहले जैसे काम नहीं करेगा। अगर उन्होंने जेनेटिक लाइंस को बनाए रखा होता तो वो उसी तरह से काम करता। लेकिन अभी आपको पड़ोस की लड़की से प्यार हो गया, वो कोई भी हो सकती है। आपकी पसंद उन चीजों को बनाए रखने से ज्यादा अहम हो गई है, मेरा मतलब समाज बदल गया है, तो उन चीजों का अब मतलब नहीं रहा। लेकिन जब चीजें सही तरह से बरकरार थीं, तो इसका महत्व था। ये जीवन की एक बेहतरीन समझ थी, जेनेटिक्स की, और उसके काम करने के तरीके की एक बेहतरीन समझ।